बंधुओं, सादर नमन। मैं सुभाष सिंह त्रिपाठी, प्रधानाचार्य शिवनायक सिंह सरस्वती विद्यावंदन इंटर कॉलेज बोली। अभिभावक बंधुओं, लॉकडाउन की स्थिति है, शासन की तरफ से अभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की कक्षाएं विद्यालय के द्वारा संचालित नहीं हो सकती हैं। इस नाते भी अब हम अभी दूर हैं, वर्चुअल क्लासेस कक्षाएं चल रही हैं, वीडियो भेजा जा रहा है, और भी जो किसी प्रकार की समस्या है उसके समाधान में हमारी स्टाफ आचार्य बंधुभूमि सब लगे हुए हैं। शासन की तरफ से यह निर्देश प्राप्त हुआ है 21 सितंबर से आप सबकी सहमति से, अर्थात अभिभावक की सहमति से स्टूडेंट विद्यालय जा सकता है और अपने शिक्षक से, टीचर से मिल करके जो पठन पाठन संबंधी समस्याएं हैं उसका समाधान करके वह सीधे आ सकता है। विद्यालय आने के लिए उसे कुछ एहतियात भी बरतना पड़ेगा, मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यालय में आना, भीड़ भटक से दूर रहना है और अपनी समस्या का समाधान करके शिक्षक से मिलकर वह सीधे घर पर अपना वह विद्यालय से जाएगा। आगे जब कक्षाएं प्रत्यक्ष रूप से चलेंगी तो आप सबको अवगत कराया जाएगा। बंधुओं, शिक्षार्थियों के बिना विद्यालय सुना सुना लगता है, हम लोगों को इंतजार है, हमें सभी के साथ इंतजार है कि शासन यथाशीघ्र निर्देश दे और भैया बहनों की किनकारी परिसर में सुनाई दे, उनका जो शिक्षण है वो विधिवत प्रारंभ हो। इसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह लॉकडाउन समाप्त हो, क्योंकि यह ऐसी प्रकृति की महामारी है, इसमें बहुत कुछ किया भी नहीं जा सकता है, जीवन को बचाते हुए भी हमें आगे बढ़ना है। इस तरह से निकट भविष्य में जब कक्षाएं प्रारंभ होंगी तो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से आपको मैसेज मिलेगा और फिर विद्यालय आएंगे। बच्चे भी घर पर बैठे बैठे उग रहे हैं, अभिभावकों की भी तमाम तरह की शिकायतें आती हैं, लेकिन उसमें बस हम लोग यही कर सकते हैं कि जो वर्चुअल क्लासेस चल रहे हैं उसको बाकायदे अध्ययन करें, जहाँ समस्या हो हमारे स्टाफ से प्रश्न करें और उसका समाधान प्राप्त करें। इसके पहले भी आप लोग से आग्रह किया गया था कि बच्चों के साथ थोड़ा समय दें, क्योंकि संकट की घड़ी है। वह विद्यालय में 5 घंटे 6 घंटे रहते थे, अब पूरा समय घर पर ही रहना पड़ रहा है, बच्चे भी उठते हैं, इसलिए उनकी मनस्थिति पठन पाठन में लगाते हुए बहुत दबाव भी नहीं, मनोवैज्ञानिक ढंग से उनको प्रेरित करते ही, बाकी तो हम लोग उनके टच में हैं, प्रेरित करते ही रहते हैं और शिक्षण सामग्री भी उनको भेज रहे हैं, उसका लाभ भी ले रहे हैं, आगे भी यह जारी रहेगा। भैया बहनों, कल शिक्षक दिवस है, आपको विद्यालय पर नहीं आना है क्योंकि लॉकडाउन है, शासन के अभी प्रतिबंध है, इसलिए विद्यालय में नहीं आएंगे। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होते हैं, परिवार और परिवार में भी माँ, और हमारा आग्रह ये है कि जो विद्यावंदन के शिक्षार्थी हैं, भैया बहन हैं, कल सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म जयंती के उपलक्ष में शिक्षकों का जो सम्मान होता है, तो आप तो प्रति माता पिता का सम्मान करते ही हैं, आदर करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, कल विशेष आपका होना चाहिए, क्योंकि परिवार ही प्रथम पाठशाला है, उसमें भी माता पिता वह प्रथम गुरु होते हैं,
इसलिए कल उनका विधिवत आदर सम्मान पूजन करिएगा। हम लोगों की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, बहुत बहुत धन्यवाद।